नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज किस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जो एक ऑप्शन आता है जहाँ पे पैसेंजर को हम लोग ऐड करते हैं नाम, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देख रहे होंगे अदर परफॉर्मेंस का सेक्शन में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, कंडीशनर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, और एक ऑप्शन आता है बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर इलेक्टेड। हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स लोग फिलहाल आज के ही डेट में कमेंट्स किए हैं, कंडीशनर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन में मुझे टिक मार्क लगाना है या नहीं लगाना है, इसके बारे में इसमें लगाऊंगा तो क्या बेनिफिट होगा और नहीं लगाऊंगा तो क्या नुकसान जाएगा, मतलब कि इसका मेन पर्पज़ है कि इसमें इसकी ऑप्शन का मतलब क्या है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। इस ऑप्शन के बारे में हम आपको पूरा क्लियर जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, और कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटे को निशान को दबाइए, ताकि रेलवे टिकट बुकिंग से संबंधित हर तरह की जानकारी सबसे पहले आपको देखने को मिले, सीखने को मिले। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को निशान को जरूर दबा देंगे। और जहाँ हाँ, एक लोग बहुत सारे लोग वीडियो देख करके चले जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें मालूम चले कि हमारा वीडियो जानकारी आपको पसंद आ रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो लाइक ज़रूर करेंगे। देखेंगे ये ऑप्शन में, अगर जो मैं पहले से टिक मार्क नहीं लगाया होता है, ऐसा होता है जिसमें टिक मार्क लगा करके जो टिकट बुकिंग आप करते हैं, पैसेंजर एक्वाइड करके एड्रेस फेड्रेस सब डाल करके पूरा अपना टिकट बुकिंग करते हैं, इसमें टिक मार्क लगा करके, तो इसमें आपको बेनिफिट क्या होता है। मान लीजिए कि मैं स्लीपर सेलेक्ट करके अभी यहाँ पर आया हूँ, चलिए पीछे से लेकर के मैं आपको चलता हूँ। देखिए ट्रेन में सर्च किया, शुरू से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखेंगे ट्रेन में सर्च कर रहा हूँ दीनदयाल उपाध्याय से डेहरी ओनसून एक स्टेशन है, उसमें होता क्या है कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सीट खाली जाने के बाद, स्लीपर है तो आपको ऐसे में भी चांसेस मिलता है वही पैसा में सफ़र करने का। तो चलिए किसी डेट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सर्च ट्रेन पे मैं क्लिक किया। वीडियो ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, जानकारी आप लोगों को होना चाहिए टिकट बुकिंग के दौरान। देखें कोई ट्रेन को मैं फ़िलहाल सेलेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ पर देखें कि मैं स्लीपर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके स्लीपर सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्लीपर को फिलहाल सेलेक्ट मैं किया यहाँ पे 25 तारीख को, मैं यहाँ पे देख रहे होंगे 16 सीट खाली हैं, और स्लीपर को यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ, अभी भी आप देख रहे होंगे कि स्लीपर को है जैसे ही कहीं मैंने किया हूँ नहीं, और यहाँ पे बुक नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे आई एग्री का एक ऑप्शन आता है, तो आई एग्री का ऑप्शन फ़िलहाल मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब आप देखेंगे पैसेंजर एड करने का ऑप्शन आएगा, और ओके पर मैं क्लिक किया। हर और जो भी ऑप्शन आते हैं सभी के बारे में एक एक करके आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि हर तरह की जानकारी आपको सीखने को मिले, जानकारी रहेगा तो आपको लाइफ में काम आता रहेगा, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, और ना ही कभी आपको नुकसान कन्फ्यूज कुछ नहीं होना होगा। यहाँ पे पैसेंजर नाम डालने, पैसेंजर का नाम डालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे देखेंगे कंडीशनर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, पैसेंजर को नाम वाम डालनी है, इस पर टिक मार्क लगा करके आप बुकिंग अर्जे करते हैं टिकट को, सारा कोई डिटेल डाल करके, इसमें आपको होता क्या है कि स्लीपर में भी बुकिंग की है मान लीजिए, लेकिन चार्ट बनने टाइम तक कभी कभी ऐसा होता है कि एसी में काफ़ी सीट जो है वो खाली रह जाता है, वो ट्रेन खाली ही जाता है, एसी में खाली सीटें रह जाते हैं, तो उस कंडीशन में चार्ट बनने तक अगर एसी में खाली सीट रह जाता है कोई भी क्लास में, तो आपको स्लीपर से आपको ट्रांसफ़र करके मतलब कि अपग्रेड कर दिया जाता है स्लीपर से एसी में, मतलब कि स्लीपर का टिकट लेते हैं लेकिन एसी में खाली सीट जा रहा है तो आपको एसी में डाल दिया जाता है, आपका टिकट जो है वो एसी में डाल दिया जाएगा, सीट नंबर कोच नंबर सब आपको मतलब कि बदल जाएगा, लेकिन स्लीपर में आपको सीट मिल जाएगा बैठने का, कोच नंबर पीएनआर नंबर चेक करेंगे स्टेटस तो आपको बताएगा कि इसमें आपको हो गया है, मतलब ये 100% नहीं है कि हो ही जाएगा, लेकिन खाली रहा तो आपको चांस रहता है, अगर खाली किसी में जा रहा है तो आपको परिवर्तन कर दिया जाएगा, मतलब अपग्रेडेशन कर दिया जाएगा, ये स्लीपर में सीटें खाली रह जाते हैं तो आपको एसी स्लीपर में आप टिकट बुकिंग किए हैं अभी मान लीजिए, और एसी में अगर सीट खाली जा रहा है थर्ड क्लास में फर्स्ट क्लास में कोई भी क्लास में, तो आपको उसमें सीट मिल सकता है, इसका मतलब ये है खाली जा रहा है तो मिल सकता है उसमें सीट एसी में भी। और बहुत ये मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या एसी में सीट मुझे मिल जाएगा, तो उसके लिए मुझे क्या एसी का किराया चुकाना होगा फिर, तो नहीं, आप जो टिकट को पेमेंट कर दिए हैं एक बार में, आपको एक भी रुपये फिर कहीं चुकाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एसी में मिले चाहे कहीं भी मिले सीट, एसी में जाता है तो आपको अलग से कोई पैसा नहीं लगेगा, उसी पैसा में आप एसी में भी सफ़र कर सकते हैं, आपको लक अच्छा किस्मत साथ दिया तो। लेकिन बहुत सारे फिलहाल, लेकिन टिकट बुकिंग करने टाइम पे आपको इसमें वो टिक मार्क लगा देना चाहिए आप लगाना चाहें तो, क्योंकि इसमें कोई नुकसान आपका नहीं जाएगा, क्योंकि और मान लीजिए कि बहुत लोगों के ये भी मन में डाउट होगा कि हम सेकेंड क्लास के एसी को बुक कर रहे हैं या थर्ड, मान लीजिए थर्ड को मैं बुकिंग कर रहा हूँ, तो इसमें टिक मार्क मैं लगाऊंगा तो क्या मेरा क्या होगा एसी में,
तो उसमें आपको मतलब कि थर्ड क्लास में आप लगाए हैं, सेकंड क्लास में मान लीजिए कि खाली रह जाता है, फर्स्ट क्लास में खाली रह जाता है, तो आपको उसमें भी आपको सीट ट्रांसफ़र होने का चांसेस रहता है। कोच नंबर आपको चार्ट बनने टाइम तक यह परिवर्तन हो सकता है। चार्ट बनने टाइम तक अगर सीटें खाली रह जाते हैं किसी दूसरे कोच दूसरे क्लास के कोटे में, तो वहाँ पे आपको सीट सब डाल दिया जाता है आपको वहाँ से हटा करके। वहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा मैसेज के द्वारा, या आप चेक भी करेंगे तो आप स्टेटस से अपना चेक करेंगे तो आपको सारा कुछ लिख देगा चार्ट बनने के बाद में। तो इसका मतलब यही होता है। और कुछ आपको डाउट होगा मन में तो आप हमें पूछ सकते हैं। और ये नीचे भी एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, बुक ओनली कन्फर्म इलेक्टेड, तो इसका मतलब होता है कि कन्फर्म टिकट ही आपका बुकिंग होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो वेटिंग अगर जाया जाएगा, कभी कभी वैसा एक सीट ख़त्म हो गया वेटिंग हो गया तो उसमें आपको बुकिंग नहीं होता है। तो आपको इसका आपको ज़रूरत हो तो लगाना चाहें तो लगाएं। इसका मतलब यही है कि सिर्फ कन्फर्म टिकट ही बुकिंग होगा, वेटिंग हो गया तो आपका बुकिंग नहीं होगा। तो एक दो वेटिंग मान लीजिए रह गया तो कभी कभी तो उसमें भी आप इसमें लगा देंगे तो बुकिंग नहीं हो पाएगा। तो इसको सोच समझ के आपको क्लिक करना होगा। फिलहाल सीट खाली है तो हमें लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको आप चाहें तो लगा सकते हैं कंडीशनर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन में। एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए स्लीपर में है तो आपका एसी में चांसेस, अगर एसी में सीट खाली रह जाता है चार्ट बनने तक तो आपको एसी में चांसेस मिल जाएगा। थर्ड क्लास में एसी में है तो आपको सेकंड में मिल सकता है, फर्स्ट में मिल सकता है। मतलब कि अगर आपका बढ़ते जाएगा, अगर अच्छे अच्छे कोट मतलब थर्ड सेकंड क्लास में है आपका तो फर्स्ट में खाली है तो फर्स्ट में मिल सकता है आपका। तो यही मतलब खाली रह जाने के बाद आपका सीट जो है परिवर्तन कर दिया जा सकता है, मतलब कि उससे थोड़ा हाई लेवल क्लास में कोटे में हाई लेवल क्लास में आपको थोड़ा दिया जाता है। इसका मतलब यही है। और इसके लेकर कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल चाहो तो आप हमें कमेंट करके पूछिए ताकि हम आपको जवाब दे सकें, हेल्प कर सकें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, आप देख लीजिए। यह तो आपका दिन शुभ हो।